हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है उनके लिए जो वकील बनने और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने जा रहे हैं। दोस्तों, ये है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी कैसे करें मैं आज बताऊं आपको, और लास्ट मोमेंट में ये तैयारी कैसे हो सकती है। आपने पढ़ाई नहीं की, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, तो दिमाग को लगाना होगा, माइंड अप्लाई करें। इतनी सारी किताबें हैं, ये सारे बेयर एक्ट्स ले जाने को अलाउ किया गया है आपके एग्जाम सेंटर पे, जिसमें नोट्स नहीं होने चाहिए, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए। बेयर एक्ट्स तो लेकर चले गए, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो बेयर एक्ट सबसे महत्वपूर्ण है उनको सबसे ऊपर रखें अपने बेंच पे, अपने डेस्क पे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है 10 मार्क्स है, जिनमें सीआरपीसी है वो भी 10 मार्क्स है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड भी 10 मार्क्स है, ये भी 10 नंबर के हैं। तो ये कुछ बड़े एक्ट है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, उनको सबसे ऊपर रखें। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि आप इनमें से खोजोगे कैसे, कैसे फटाफट आप अपने क्वेश्चंस के आंसर की तलाश करोगे। एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दूं कि सबसे पहले आप फटाफट उस क्वेश्चंस पे आते चले जाना जहां सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट से कंसल्ट करके आप करेक्ट आंसर सही उत्तर दे सकते हो। तो आपको करना क्या है कि डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि इस सेक्शन में क्या है, इसमें ये वर्ड है, क्या ये सही है, ऐसे किसी भी क्वेश्चंस के आंसर आपको बेयर एक्ट में मिलेंगे। बेयर एक्ट के इंडेक्स में जाना है, सबसे पहले इंडेक्स को कवर करें, कैच करें और फटाफट उस जगह पे पहुंचे और अपने आंसर को, करेक्ट आंसर को कैच करें। और कभी भी स्टार्टिंग में ही अपने आंसर को एनसर्कल ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से ना करें, सबसे लास्ट में एनसर्कलिंग का काम करना है, क्योंकि बाद में अगर आपके पास टाइम होगा तो आप सही उत्तर के लिए थोड़ी और मेहनत कर लोगे। हिंदी के माध्यम से एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब आप हिंदी के क्वेश्चंस को देखते हो या हिंदी के ही सिर्फ बेयर एक्ट को परचेज करते हो, तो हिंदी के शब्द भी आसान नहीं है, अंग्रेजी की हेल्प लेनी होती है। पेपर 2 भाषाओं में होंगे, एक रीजनल और एक इंग्लिश। जिन्होंने सिर्फ अंग्रेजी चुना हुआ है उनके क्वेश्चन पेपर सिर्फ अंग्रेजी में होंगे। तो हिंदी वालों को मैं ये बता दूं कि आप जब भी अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ये को खरीदें तो उनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होने चाहिए। बेयर एक्ट खरीद रहे हो तो ऐसा बेयर एक्ट खरीदें, ये है डिग्लॉट के बेयर एक्ट, जिसमें दोनों भाषाओं में सारी चीजें अवेलेबल है। ऐसे बेयर एक्ट होने की वजह से अगर हिंदी के भी कठिन शब्द हैं तो आप अंग्रेजी की हेल्प लेकर वहां उत्तर दे पाओगे, अगर अंग्रेजी में कठिन शब्द हैं तो आप हिंदी की मदद ले लोगे। तो द्विभाषी 2 भाषाओं में जो बेयर एक्ट मार्केट में अवेलेबल है उनको परचेज करें, उन पे भरोसा करें, उनकी हेल्प लेकर के एग्जाम सेंटर में जाएं। इसकी कीमत 2800-2900 रुपए है, ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए है, यही इसकी कीमत है। ये बेयर एक्ट आपको खरीदनी होगी, क्योंकि नॉर्मल बेयर एक्ट में नोट्स होते हैं, कुछ कमेंट्स होते हैं जो अलाउ नहीं है, तो एग्जाम पर्पस के लिए ये 3000 आपको खर्च करने पड़ेंगे। 100 क्वेश्चंस हैं और सिर्फ 45 सही उत्तर देने हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत लोग ऐसे पागल बना रहे हैं ये बोलकर कि कोई भी ए पकड़ लेना, कोई भी बी पकड़ लेना, और उनके आंसर्स आपको पता नहीं है, उन सभी में ए ए ए ए कर दो, या अपनी पसंद का बी पकड़ लो और बी 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 कर दो। कभी ऐसी उटपटांग चीजें, मूर्खतापूर्ण चीजें ना करें। ऐसी वीडियो जो चल रही हैं उनको देखना भी आप बंद कर दो। आप एक वकील बनने जा रहे हो और जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं। एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दिमाग अप्लाई करें दोस्तों, दिमाग
कल आप ब्रेन के खिलाड़ी होने जा रहे हो, आप इसी दिमाग से केस जीतोगे, केस लड़ोगे, लोगों की समस्याओं को सुलझाओगे। तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप वो लगाओ सही उत्तर की तरफ, आपका दिमाग खुद पे खुद चला जाएगा। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका उत्तर आपको कंफर्म नहीं है, बट आपके एप्लीकेशन ऑफ माइंड से थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा तर्क लगाओ, रीजनिंग अप्लाई करो, आप सही उत्तर तक पहुंच जाओगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसके आंसर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको मिलते हैं। वहां कॉमन सेंस, आम पब्लिक की धारणा के अकॉर्डिंगली भी चीजों को समझना है, कॉमन सेंस लगाएं वहां। कानून कहा जाता है कि और कुछ नहीं, ये कॉमन सेंस है। आम लोगों के सेंस को अगर किसी ने समझ लिया तो वही कानून है। तो आपको कॉमन सेंस भी अप्लाई करनी है यहां। एक से शुरू हो जाऊंगा और लास्ट 100 तक मैं सारे क्वेश्चन हल कर दूंगा। ऐसा ना करें, पहले फटाफट फटाफट बिल्कुल कंफर्ट जोन, जिसमें आपको पता है कि आप सिक्सर लगाओगे, चौका लगाओगे, वो शॉट खेलें, उन प्रश्नों पे पहुंचे, जंप करते चले जाएं। जो नहीं आ रहे हैं उसे क्विट करें। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जहां आ रहा है कंफर्म हो आप, फटाफट उनको वहीं अपने क्वेश्चन में टिक आउट कर ले, बाद में एन सर्किल करना है। इस तरीके से कंफर्म क्वेश्चंस जो 100% 99% आप श्योर हो, उनको पहले आप उनका आंसर टिक आउट कर ले, नोट कर ले कि इतने क्वेश्चंस तो बिल्कुल मेरे पक्के हैं। अब रह गई बात दिमाग लगाने की, कॉमन सेंस की, क्योंकि वहां से शुरू होती है कहानी, कॉमन सेंस और एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अपने समय को कैलकुलेट करें, काफी वक्त मिलता है, एक क्वेश्चन पे करीब करीब आपके पास 1.5 मिनट्स का समय होता है, आपके पास बहुत वक्त है। और लास्ट में चीजों को कंक्लूड करें अच्छे से, फिर आखिरी में सबको एनसर्कल करें। जो रीजनिंग लॉजिक वाले क्वेश्चंस हैं उस पे बाद में अपना दिमाग लगाएं। कुछ लीगल मैक्सिम्स होते हैं, कानून के कुछ शब्द होते हैं जिनको पूछा जा रहा है, उन पे थोड़ा सा फोकस करें, उनको थोड़ा याद करने की कोशिश करें। मेंस रिया मीन्स गिल्टी माइंड, बड़ा फेमस है, ऐसे ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं। एक्टस रियस मीन्स क्रिमिनल एक्टिविटी, गलत एक्ट, तो इन पे फोकस करें। ट्यूशन है, इस पे फोकस करें आप, ये आपका स्ट्रांग पॉइंट हो सकता है। दूसरा फैमिली लॉ, ये आपके स्ट्रांग पॉइंट हो सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शंस हैं, वहां दिक्कत नहीं आएगी आपको। सेक्शंस फटाफट, अगर कोई सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है आप पहुंच जाओगे। आपको दिक्कत कहाँ आने वाली है, वो है सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी। सीपीसी में सेक्शन है, जब आप उसके बेयर एक्ट को देखोगे तो उसमें सेक्शन है और उसमें ऑर्डर और रूल है। ऑर्डर ये, रूल इतना, अब वहां कंफ्यूजन है कि क्या करूं, ऑर्डर भी है रूल भी है। तो ऑर्डर रूल को ठीक से वहां पहुंचना है, ऑर्डर 22 रूल 7, तो रूल 7 पे आकर के अपने आंसर की तलाश करें। इंडेक्स में पहले उसको कंफर्म करें कि किस पेज पे ये है, ये नहीं कि आप बीच में ही खोजते रहो कि ये ऑर्डर कहाँ है, टाइम चला जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे दोस्तों आपके लिए। बाय बाय।